गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पुणे का स्टे। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस आज मैं जा रही हूँ यहाँ का बहुत ही खूबसूरत रामदारा टेम्पल देखने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगी। सो फिर चलिए वहीं पर चल के मिलते हैं और पूरा टेम्पल मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो फिर चलिए मिलते हैं टेम्पल जाके। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, तो मैं जो हूँ टू व्हीलर से ही जा रही हूँ। तो यहाँ पे जाने के लिए आप फोर व्हीलर, रिक्शा, ओला, उबर कर सकते हैं। साथ ही रामदारा के लिए बस भी जाती है, सो आप लोग बस से भी जा सकते हैं। जाने के लिए बहुत सारे सहूलियत है, तो आप चाहे जैसे जाए। और मैं गूगल मैप लगा के जा रही हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो गूगल मैप ने हमें ये गांव वाला रास्ता दिखाया है, तो वही रास्ता पकड़ के मैं जा रही हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है। तो टू व्हीलर से ड्राइव करने में बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा है और काफ़ी अच्छे से हम लोग जा रहे हैं, और साथ ही वीडियो निकालने में भी आसानी है। सो गाइज आप लोगों से बात करते करते जो मैं मंदिर पहुंच चुकी हूं, और मंदिर का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि मंदिर अभी बंद है और मेन गेट पे कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं पर छोड़ नहीं रहे। सो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। सो गाइज बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम चार पांच लोगों को छोड़ा है उन्होंने, लेकिन गाड़ी अंदर पार्क नहीं करने दिया। सो गाड़ी मेन गेट के बाहर ही हम लोग पार्क किए हैं और उसके बाद जो है इतना लंबा चल के आ रहे हैं ताकि हम लोग दर्शन कर पाए। तो यहाँ पे जैसे कि लोग रिटर्न जा रहे हैं और हम लोग जो है दर्शन के लिए पहुँचे हैं। सो हम लोग चार पांच लोग मिलके बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, उसके बाद ही उन्होंने छोड़ा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मंदिर का जो टाइमिंग है, सुबह 7 बजे जो है मंदिर ओपन होता है और 5 बजे जो है इसका बंद होने का टाइम है। आप लोग अगर कभी भी मंदिर जाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी चले जाए, ताकि आप लोगों को वहाँ पे रुकने के लिए पूरा दिन मिलेगा। बहुत खूबसूरत जगह है, बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोग। तो दोपहर तक आप पूरा यहाँ पे आराम से बैठे, चटाई वगैरह साथ में लेके आए और पूरा दिन यहाँ पे बिताए। तो देखिए मंदिर हम लोग पहुँचे हैं, तो बाहर से देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है मंदिर। पूरा ऐसे तालाब के बीच में बना हुआ है। सो चलिए अभी देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ लेकिन मुझे मंदिर बहुत पसंद आ रहा है। बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत है, सो देख के ही मन होता है यहाँ पे आने का। तो अभी देखते हैं अंदर चल के। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो मंदिर है ये नारायण मंदिर है, यानी कि भगवान विष्णु जी का मंदिर है ये। तो अभी हम लोग मंदिर के पास पहुंचे हैं, तो यहाँ साइड में चप्पल वगैरह उतार देना है और उसके बाद फिर अंदर जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक आध लोग हैं जो सब रिटर्न जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए। तो बंद किया हुआ है मंदिर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन बाहर से जो दर्शन है वो अच्छे से हो पा रहा है। सामने जो है गणपति बप्पा है। अभी चलते हैं हम लोग मेन मंदिर के अंदर। और ये मंदिर में जो आप दीवार पे देख रहे हैं, यहाँ भी सब जगह भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई है। तो दोनों साइड ही बहुत खूबसूरत है ये मंदिर। तो अभी मेन मंदिर के अंदर आप लोगों को लेके चलती हूँ। और ये है तालाब, तो तालाब के इधर नहीं जाने देते, ये जो एरिया है बंद है, आप सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। और ये है मेन नारायण मंदिर, जहाँ पे भगवान विष्णु जो है विराजमान है।
अभी नारायण मंदिर में दर्शन लेने के बाद एक और मंदिर है, तो वहाँ पर दर्शन लेंगे और उसके बाद निकलते हैं। सो गाइज, हम लोग का दर्शन हो चुका है अभी, और अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया था अंदर जाने के लिए, ताकि हम लोग दर्शन करें और निकले। आप देख रहे, पूरा एरिया खाली है, सब लोग निकल चुके हैं। सो अभी हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। तब तक एक बार और अच्छे से पूरा मंदिर का एरिया देख लीजिए, ताकि आप लोग भी यहाँ पर आ पाए दर्शन करने के लिए। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी बाहर पार्क है, तो फिर वहीं से गाड़ी लेंगे, निकलेंगे। सो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ आने के लिए 2-व्हीलर से 2 घंटा लग गया है। ऐसे कार वगैरह से या 2-व्हीलर से आप 1.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक वगैरह अगर आप पकड़ते हैं तो ट्रैफिक वगैरह में आप 2 घंटा आपको लग ही जाता है मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो आप लोग निकलते हैं तो उसी प्लान से निकले, ताकि आप लोग यहाँ पर थोड़ा टाइम जो है व्यतीत कर पाए, और ये पूरा एरिया देखते हुए चलिए। आप लोग, पूरा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, सो कितना खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे ना, आप लोग ऐसे पैदल घूम सकते हैं अच्छे से और पूरा एरिया घूम के देख सकते हैं। सो मैं तो बहुत ही जल्दी में आई और दर्शन करके बस निकल रही हूँ, लेकिन 2-व्हीलर से ही पूरा देखते हुए जा रही हूँ मैं। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप लोग जो है घर बैठे मेरा जो पूरा वीडियो है वो देख पाए। और साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा जो ये वीडियो है अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी यहाँ पर आए और घूमें। सो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।